बेगूसराय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से पूरे गोडाउन सहित दुकान जलकर खाक हो गया। यह घटना बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र के श्री कृष्ण मार्केट के पीछे स्थित अशोक नगर पोखरिया की बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के कर्मी आग बुझाने में लगे हुए हैं। बताया जाता है कि अग्निकांड में एक मकान के 3 कमरे जलकर खाक हो गया। इस आग को बुझाने में स्थानीय लोगों सहित अग्निशमन विभाग के कर्मी जुटे हुए हैं। कपड़ा व्यवसायी प्रेम सागर गुप्ता ने संभावना जताई है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और आग विकराल रूप धारण कर लिया। उन्होंने बताया कि इस अग्निकांड में लगभग 40 से 50 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय लोग एवं अग्निशमन विभाग के कर्मी जुटे हुए हैं। बीएनपी न्यूज के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। गोदाम में जो है घर है मेरा, घर में पूरे घर में आग लग गया है। गोदाम किस चीज़ का था? कपड़े का था। और दुकान भी? तो हाँ, दुकानों था और कपड़े का दुकान भी था और गोदाम भी था। सब कुछ जल गया है? हाँ, घर दुकान तो ऐसे हालांकि रोड पर करते हैं, गोदाम था, होलसेल बेचते थे। क्या लग रहा है, कितना का लगभग नुकसान हुआ है इस आग में? 40-50 लाख का आसपास। क्या लग रहा है, मतलब किस चीज़ से? शॉर्ट सर्किट से लगा। शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। किनका है ये? प्रेम सागर गुप्ता का। आप ही हैं?